स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोहन भाकरी जी के फिल्मी करियर के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी डेब्यू मूवी 1980 में पंजाबी मूवी आई थी जिसका नाम था जटी, और हिंदी मूवी 1982 में आई थी जिसका नाम था अपराधी कौन। इस मूवी में लीड कास्ट में थे दारा सिंह, रजा मुराद, जावेद खान मरोमा, टुनटुन मदनपुरी और ओम शिवपुरी। इस मूवी का बजट था 16 लाख रुपए। इस मूवी का ने भारत में 37 लाख की और दुनिया में 62 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस में हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1985 में आई थी जिसका नाम था चीख। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे अमला, बीरबल, दीपिका चिखलिया, कल्पना अय्यर, जावेद खान, रजा मुराद और मदनपुरी। इस मूवी का बजट था 16 लाख। इस मूवी ने भारत में 18 लाख की कमाई की और दुनिया में 32 लाख की कमाई की। उस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1987 में जिसका नाम था खूनी महल। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राज किरण, शोभा आनंद, नीलम मेहरा, रजा मुराद और जगदीप। इस मूवी का बजट था 18 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 33 लाख की और दुनिया में 56 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1988 में जिसका नाम था पांच फौलादी। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे राज बब्बर, सलमा आगा, अनीता राज, हेमंत बिरजे, जावेद खान, रजा मुराद और अमजद खान। इस मूवी का बजट था 80 लाख। इस मूवी ने भारत में 40 लाख की कमाई की, दुनिया में 75 लाख की कमाई की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1988 में जिसका नाम था कब्रिस्तान। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे हेमंत बिरजे, जावेद खान, पुनिका, जगदीप, बीरपल और सतीश कौल। इस मूवी का बजट था 30 लाख। इस मूवी ने भारत में 65 लाख की कमाई की और दुनिया में 1 करोड़ 20 लाख की कमाई की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1989 में जिसका नाम था खूनी मुर्दा। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे दीपक पराशर, जावेद खान, श्री प्रदा, शगुफ्ता अली, पुनीत सरव, मयूर वर्मा। इस मूवी का बजट था 18 लाख। इस मूवी ने भारत में 31 लाख की कमाई की और दुनिया में 52 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1989 में जिसका नाम था 100 साल बाद। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे हेमंत बिरजे, साहिल चड्ढा, हुमा खान, टीना घई, मीनाक्षी और रजा मुराद। इस मूवी का बजट था 18 लाख। इस मूवी ने भारत में 34 लाख की कमाई की, दुनिया में 55 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1990 में जिसका नाम था अमावस की रात। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे राकेश बेदी, कुनिका, जावेद खान, उषा खन्ना, जगदीप और किरण कुमार। इस मूवी का बजट था 16 लाख। इस मूवी ने भारत में 18 लाख की कमाई की और दुनिया में 33 लाख की कमाई की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1991 में जिसका नाम था रूहानी ताकत। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे जावेद खान, श्री प्रदा, नीलम मेहरा, नीता कपूर, शगुफ्ता अली, जगदीप और किरण कुमार। इस मूवी का बजट था 14 लाख। इस मूवी ने भारत में 25 लाख की कमाई की, दुनिया में 45 लाख की कमाई। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1992 में जिसका नाम था इंसान बना शैतान। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे दीपक पराशर, अनिल धवन, नीलम मेहरा, उपासना सिंह, हुमा खान और जगदीप। इस मूवी का बजट था 14 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 18 लाख की और दुनिया में कमाई की 33 लाख की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1995 में जिसका नाम था पड़ोसी की बीवी। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे दीपक पराशर, आशा सचदेव, नीलम मेहरा, जावेद खान, सतीश कौल और रजा मुराद। इस मूवी का बजट था 13 लाख। इस मूवी ने भारत में कमाई की 13 लाख की और दुनिया में 23 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 2000 में जिसका नाम था वो बेवफा थी। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे सुदेश बेरी, अन्नपूर्णा, भरत कपूर, पुनिका, मधु मल्होत्रा, किरण कुमार, रजा मुराद। इस मूवी का बजट था 25 लाख। इस मूवी ने भारत में 3 लाख की और दुनिया में 5 लाख की कमाई की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 2000 में ही जिसका नाम था अपराधी कौन। ये सेम पुराने नाम की मूवी थी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे किशोर अरोरा, शगुफ्ता अली, जगदीप और किरण कुमार, रजा मुराद। इस मूवी का बजट था 40 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 28 लाख की और दुनिया में कमाई की 47 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 2005 में जिसका नाम था अब तुम्हारी बारी। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे सुनील धवन, टीना घई,
पिंकी कुरैशी, जावेद खान, किरण कुमार, रजा मुराद। इस मूवी को ने कमाई बजट था 20 लाख, भारत में कमाई की 12 लाख की, दुनिया में 18 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी डिजास्टर साबित हुई। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स, ये मोहन प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन भाकरी जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन में बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस डायरेक्टर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।